वेलकम टू अवर चैनल एंड यू ग्रीट गाइस, मैं हूं आपका प्यारा सा मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स चल रहा था क्लास 9th के अंदर, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका नंबर हमारे जितने सारे थ्योरम से खत्म हो चुके हैं, अब हम लेके आने वाले हैं 9.3 एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज बची है सर्कल्स की। तो आप लोगों ने अगर हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पे एक लाल बटन होता है, वहां पे ऐसे करके उंगली को दबा दिया करो और वहां पे बेल आइकन को भी प्लस वो कर दो, ताकि पता चलता रहे कि कौन सी वीडियो अभिषेक सर लेके आ रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 9th की वीडियो बनती है, 10th, 11th, तुम जो बोलो यार, तुम खाली कमेंट करके बताओ कि सर इस चैप्टर की वीडियो बना दो, उस चैप्टर की वीडियो आ जाएगी तुम्हारे पास। क्यों टेंशन लेते हो यार, हमें तो क्या गम है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और कुछ सुनने के लिए मत रखना, ठीक है? ओके सर, तो हम चालू कर रहे हैं सर्कल्स 9.3। ठीक है, तो भाई चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर 9.23, ये वाला फिगर है, इसके अंदर ए बी और सी तीन पॉइंट्स हैं, जो सर्कल है और सेंटर ओ है। इसके अंदर हमको बी ओ सी जो कितना दिया हुआ है सर, बी ओ सी जो है हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, और ए ओ बी जो है हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर डी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो हमें ए फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है सर, हमको कुछ कुछ याद आ रहा है सर, आपने जब थ्योरम कराई थी 9.6 वाली, तो उसमें कहा गया था कि अगर जो आर्क से एंगल बनता है सामने वाला, वो उसका क्या होता है, डबल होता है सर। होता है डबल के नहीं होता? तो गिविन में देखो भाई, गिविन के अंदर देखो हमको दिया हुआ है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें चाहिए पूरा एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 30 प्लस 60, तो कितना हो गया सर, 90 डिग्री हो गया। सर हमारी थियरम कहती है कि एंगल ए ओ सी, ना एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। ओके, तो भाई ए ओ सी जो था सर वो 90 आया, ये ट्वाइस ऑफ ए डी सी, 2 कहां चला जाएगा सर, डिवाइड में, तो 90/2 इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी आ जाएगा बाबू 45। सर कैसे आया, यहां पे लिख देना बाय थियरम 9.6। ठीक है, 9.6 की थ्योरम क्या कहती है सर, के हमारे जो सर्कल वाला ये वाला जो एंगल है वो इससे क्या करता है, डबल बनाता है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द मिरर माइनर आर्क एंड ऑल्सो पॉइंट एट द मेजर आर्क। दोनों पॉइंट पे बनाना है रे बाबू, दोनों पॉइंट पे। ठीक है, कहता है कि एक सर्कल ले लो, ठीक है, उसने कहा है कि एक सर्कल ले लो बाबू, सर्कल ले लो, उसके बाद में उसने कहा है एक कॉर्ड ले लो। ठीक है, जब एक कॉर्ड लोगे, ठीक है, तो जब एक कॉर्ड लोगे, ओके कॉर्ड ले लिया हमने, ठीक है, अब जब एक कॉर्ड ले लोगे तो यहां से उसकी रेडियस, डायग्राम बनाने में हाथ से बनाऊंगा तो जल्दी बन जाएगा पर अच्छा नहीं बनेगा, इसके लिए फिर हम किससे बनाते हैं भाई, हमारे टीवी से बना देते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, ठीक है, जो हमारा कॉर्ड है वो रेडियस से इक्वल है, और एक जो एंगल बना रहा है वो इधर की तरफ बनाएगा, ठीक है, और एक जो एंगल बना रहा है वो इधर की तरफ बनाएगा, माइनर आर्क में भी मेजर आर्क में भी। ठीक है, तो यहां से इसको ज्वाइन कर दो और यहां से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, हमने सब बना दिया, अब देखो अगर मैं इसके अंदर लिखता हूं तो मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है और ये डी है। ठीक है, हमको गिविन में अंदर दिया हुआ है, तो भाई देख लो गिविन के अंदर हमें दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, उसने कहा है जो कोड ए बी है वो ओ ए और ओ बी दोनों से क्या है भाई, इक्वल है सर। ठीक है, सो ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्यों भाई, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं
वो कैसा ट्राइंगल बन जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है सर। सर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल ओ ए बी वो भी कितना आ गया 60 डिग्री, यानी सारे जो एंगल होते हैं अरे बाबा वो कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं, कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। अब उसने बोला है कि मेजर आर्क पे जो एंगल है वो फाइंड करना है और जो माइनर आर्क पे एंगल है वो फाइंड करना है, तो भाई ये जो आया वो कितना आया 60 डिग्री, हमें क्या चाहिए भाई मेजर आर्क पे एंगल चाहिए। तो देखो भाई एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, कौन कहता है भाई हमारी थ्योरम कहती है बाय थ्योरम 9.6 थ्योरम कहती है कि सर्कल वाला जो आर्क है उससे जो एंगल बनता है वो हमारे ट्वाइस होता है। ठीक है भाई एंगल AOB तो सर 60 डिग्री है और ये हमें फाइंड करना है 2ACB, तो ये 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा एंगल ACB बचा सर 30, कितना बचा सर 30 आ गया। अब सर जब 30 आ गया हमको चाहिए मेजर आर्क वाला, ये अब ये मेजर आर्क वाला मिला हमें तो माइनर वाला भी चाहिए। तो बचुआ लोग मान लो कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है सर। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम पढ़ी थी हमने 9.9 वाली थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सर्कल के अंदर चार पॉइंट्स लाए करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाते हैं। देखो भाई चार पॉइंट सर्कल के अंदर लाए कर रहे हैं ए बी सी डी, ओके ए बी सी डी जो भी तुम जैसे तुमको लिखना हो और वो चारों के चारों पॉइंट लाए करते तो वो क्या बन जाता है भाई हमारे लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सर तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना होगा 180, क्यों बाय थ्योरम 9.10 की जो थ्योरम है बच्चा लोग वो कहती है हमसे कि भाई जो अपोजिट एंगल है अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल कितने होते हैं प्लस करने पे 180 होते हैं। भाई हमको एंगल ए सी बी मिल चुका है 30 प्लस हमको चाहिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180, 30 को माइनस करो तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना मिला 150 मिल गया सर, सॉल्व हो गया ये तो सर। सर कितना ही जोरदार है हमारी थ्योरम, हमें अगर आ गई है तो हमें सम को सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, इसीलिए कहते हैं कि थ्योरम्स अच्छे से करनी चाहिए। ओके तो आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, तो देखिए हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, हमको फिगर भी दिया हुआ है, हमको लिखा हुआ है कि एंगल जो पी क्यू आर है वो हमको 100 दिया हुआ है, वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद इन अ सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर, हमें ये वाला फाइंड करना है ओ पी आर, इतना छोटा सा एंगल फाइंड करना है हमें भैया, हमको दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है तो भाई देखो गिविन में लिख दो कि गिवन के अंदर है सर हमको एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100, सर हमें चाहिए सर पेन परिवर्तन संसार का नहीं है मेरे भैया। ठीक है मान लो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर बाई बाय थियरम 9.6, सर 9.6 की थ्योरम ने कहा था कि जो ये वाला एंगल होता है वो ये वाले एंगल का क्या होता है डबल होता है। ठीक है तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 100, तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 200। पर बेटा एक बात बताओ हमें जरा, हमने तो यहां बाहर का एंगल ले लिया, अब हमें चाहिए कहां का, अंदर का चाहिए रे बाबा, हमें अंदर का चाहिए। तो भाई एक बात बताओ सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है। ठीक है तो टोटल सर्कल का जो एंगल होता है सर वो होता है 360 डिग्री का, है ना। अगर मैं सर आउटर को 360 में से मैं POR जो कौन सा है आउटर वाला है उसको माइनस कर दूं तो मुझे कौन मिलेगा इनर ऑफ POR मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि अगर मैं सर्कल में से ये बाहर वाला निकाल दूं तो मुझे कौन मिल जाएगा अंदर वाला मिल जाएगा, बाहर निकालो अंदर मिलेगा। ठीक है उल्टा होता है अंदर निकालो बाहर मिलेगा, ये गलत बात है, तुम लोग बायोलॉजी मत पढ़ाओ यहां पे। ठीक है चलते हैं आगे की तरफ, तो 360 माइनस इन आउटर वाला कितना है भाई 200, तो हमको मिला एंगल POR। अब हमको एंगल POR मिल गया भाई
60 डिग्री कितना मिल गया हमको, 160 डिग्री मिल गया। ठीक है भैया, अब देखो इन ट्राइंगल POR, भाई ट्राइंगल POR में देखो OP इज इक्वल टू OR है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल होंगी सर्कल की। सर आपने हमें बताया था कि अगर सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो उनके एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल बाय थ्योरम नंबर 7.3। ठीक है, तो एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, मैं लिख देता हूं बाय थ्योरम 7.3, है ना, ये मैंने लिख दिया। अब देखो भाई लोग, बाय एएसपी, एएसपी का मतलब होता है एसीपी, अबे एएसपी लिखा है यार, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वाला अगर मैं लगाता हूं, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इज इक्वल टू होता है सर 180 डिग्री। एंगल पी और एंगल आर सर इक्वल हैं, दोनों हमने पहले ही बता दिए इक्वल है, तो वो हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल पी प्लस एंगल ओ, जो हमने निकाला है इनर वाला वो है 160 इज इक्वल टू 180। 160 अगर सर मैं माइनस कर दूं, जुगाड़ बना लो उधर तरफ लिखने के लिए, तो सर अगर मैं 160 माइनस कर दूंगा तो 2 ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू बचेगा सर 20, क्यों, 180 में से 160 उधर साइड जाएगा ट्रांसपोज होके, तो प्लस का क्या बन जाता है, माइनस। और जब भी नेगेटिविटी आती है बड़ा खर्चा होता है, कि जब भी 180 के पास 160 गया, खर्चा हो गया, कितना बच गया, सिर्फ 20, 180 था बचा अब 20। ठीक है, तो ये कट गया, तो एंगल पी कितना बचा रे बाबा, एंगल पी बचा भाई 10, यानी कि एंगल हमें जो फाइंड करना था OPR वो कितना आ गया, 10वां आ गया 10। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर तमने लेवानू हो तो, गुजराती पण बोलू छू, मने बद्दी भाषाओ आवडे छे, खाली फ्रेंच नथी आवडती, मने युगांडी पण आवडे छे, पता नहीं युगांडी कैसी होती है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर 9.25 एंगल एबीसी इज इक्वल टू 69, यानी कि देखो भाई लोग, ये जो पूरा एंगल है, एंगल ए बी और सी, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है 69, और एंगल ए सी बी यानी ये वाला जो एंगल है वो 31 है, वो दोनों किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, सर ए बी सी और ए सी बी यानी ए बी सी वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं भाई, गिवन हमको लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं फिर भी, सर परिवर्तन संसार का नियम है, अरे यार ठीक है ना, कर दिया चेंज, तो गिवन क्या लिखा हुआ है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31, तो मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल ए सी बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है सर कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180, है ना, बढ़िया गाना बन जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इसमें तीन ही आई हैं, तो आगे चलते हैं। ए एंगल, हमको एंगल ए हमें नहीं पता है, पर हमें एंगल बी है वो दिया हुआ है 69, 69 प्लस एंगल सी है वो हमें दिया हुआ है 31 इज इक्वल टू 180, दोनों को प्लस करो माइनस कर दो, तो एंगल ए इज इक्वल टू 69 प्लस 31 होता है 9 और 110 100, तो 180 माइनस 100 बा, यानी कि एंगल बी ए सी वो आ गया हमारा 80, कितना आ गया भाई 80 आ गया सर। अब सर हमने एक चीज सीखी थी कि अगर ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे, सर दोनों ही इक्वल होंगे, कैसे, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, थ्योरम 9.7, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, यानी दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 80 डिग्री, हमें बी डी सी तो फाइंड करना था, सो हमको मिल गया बी डी सी 80 डिग्री, कैसे, बाय थ्योरम 9.7 थ्योरम, जो 9.7 नंबर की जो थ्योरम है वो कहती है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेगमेंट तुम जानते ही हो, नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। ओके, इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं,
लास्ट अभी इस चैप्टर इस वीडियो के अंदर हम 1 to 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एकदम सॉल्व वाले थे। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक आधी सॉल्व वाले हैं, बाकी सब प्रूव वाले हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि पहले सारे के सारे सॉल्व वाले करा देता हूं, फिर प्रूव वाले करा दूंगा। इसके लिए इस पार्ट के अंदर मैं ये 1 to 5 तक ही रखता हूं वीडियो को, पर नेक्स्ट पार्ट अगला ही वीडियो आ जाएगा आपका 6 to 12, यानी पूरा चैप्टर हमारा सर्कल का खत्म हो जाएगा। आपने सर कहा था जो हार्ड चैप्टर होते हैं आप बना देते हो, बना दिया ना, क्या टेंशन लेते हो यार, तुम्हारा फाइनल हम निकलवाएंगे। ओके, तो इन द फिगर 9.6 ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई सच दैट बी ई सी, भाई ये वाला एंगल दिया हुआ है 130, ये दिया है 20, हमें फाइंड करना है बी ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना। सॉरी, इसने तो खतरनाक दे दिया है, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं हमको गिविन के अंदर क्या क्या है। ओके, हमको गिविन है भाई कि एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130, हमको गिविन है सर कि एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20। सर परिवर्तन संसार का नियम है, बदल दिया पेन बेटा, ठीक है भाई। मान लो बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, सर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, आप लोगों ने अगर 8वीं क्लास अच्छे से पढ़ी होती है और 7वीं क्लास तो आपको पता होता है एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अगर बच्चा लोग एक ट्राइंगल है और यहाँ पे दिया हुआ है ये एक्सटीरियर एंगल, तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो दोनों को प्लस करो तो कितना होता है, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। तो एंगल ए सी डी मान लो इज इक्वल टू होता है एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, ये कहता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे इंटीरियर अपोजिट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी से मैं ले लेता हूं कि एंगल ई सी बी, एंगल ले लेता हूं एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी। एंगल बी सी दिया है सर हमको 130, एंगल ई सी डी दिया है सर हमको 20, प्लस एंगल ई डी सी चाहिए, 20 माइनस किया सर तो बचा 110 इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। पर सर हमें ये तो फाइंड ही नहीं करना था, सर हमें तो फाइंड करना है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू होता है एंगल बी डी सी। सर कैसे होता है, सर होता है बाय थियरम, बोल दो 9.7 के एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो देखो ये सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी एंगल बी ए सी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। लो इसी के साथ हमारा 1 to 5 नंबर तक के पार्ट होता है खत्म। अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस लेके आएंगे 6 to 12। बने रहिए, देखते रहिए एडयू ग्रीड को, बिल्कुल ग्रीडनेस लगा लीजिए अपनी पढ़ाई के अंदर भी ऐसे ही, और तू कर सकता है मुझे पता है, ठीक है। चलो ठीक है, बाद में मिलेंगे, बाय।